सो हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेटीएम ऐप में यह प्रॉब्लम आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो लॉगिन का जो है यह प्रॉब्लम आ रहा है पेटीएम ऐप में। अगर आपके पेटीएम ऐप में भी यह प्रॉब्लम आ रहा है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, इस वीडियो में आपको जो सेटिंग बता रहा हूँ इसे आपको कहना है, आपका जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं कहना है, सिंपल सा दो सेटिंग आपको करना है और आपका जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगा। पेटीएम ऐप में आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला सेटिंग है, इसके लिए जो है आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे। अपने मोबाइल का जो सेटिंग एप्लीकेशन है इसे आप ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, आपको देख लेना है। जो सेटिंग है सभी मोबाइल में मिल जाता है, तो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपके मोबाइल में एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे सभी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपके मोबाइल में जो पेटीएम एप्लीकेशन है उसे आपको ढूंढना है एंड उसे आपको ओपन करना है। ऊपर आपको एक सर्च का बटन मिल जाएगा, आप यहां पर जो है पेटीएम सर्च भी कर सकते हैं एंड यहां पर जो है पेटीएम एप्लीकेशन आपके सामने शो हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेस का, यहां पर आप देख सकते हैं। तो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ पर आपको पेटीएम ऐप का क्लियर कैचे और क्लियर डाटा करना है। यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो सिंपल सा आपको क्लियर कैचे और क्लियर डाटा कर देना है एंड यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सिंपल सा पहला जो सेटिंग है आपको पेटीएम ऐप का क्लियर कैचे और क्लियर डाटा कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है एंड दोस्तों यहाँ पर दूसरा सेटिंग है, इसके लिए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ऐप ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च बार में आपको सर्च करना है पेटीएम एंड यहाँ पर पेटीएम एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर आपके प्ले स्टोर में पेटीएम ऐप में यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है तो सिंपल सा आपको पेटीएम ऐप को अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पेटीएम जो ऐप है वो अपडेट होने लगेगा। तो अपडेट होने के बाद जो है इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अपडेट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पर पेटीएम ऐप को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर जो है आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, इंटर करके लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हो सकता है आपके सामने ब्लैक स्क्रीन दिख रहा हो, तो सिंपल सा आपको यहां पर लॉगिन करना है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा यहां पर लॉगिन हो रहा है, अपना मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे एंड यहां पर पेटीएम ऐप में यहां पर आप देख सकते हैं मेरा यहां पर लॉगिन हो चुका है एंड यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इस तरह से जो है पेटीएम ऐप में लॉगिन के लिए जो प्रॉब्लम आ रहा था इसे आप फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।